अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू कुकिंग विद आमरा। आज मैं आपको जो डिश बनाने बता रही हूँ वो बहुत ही मज़े की डिश है। ये खट्टा पालक है जो कि हैदराबादी लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। ये टेस्ट में ये खट्टा होता है और इसको दो तरीक़ों से बनाया जाता है, एक तो गोश्त के और एक बग़ैर गोश्त के। तो आज मैं गोश्त के साथ आपको इसको बनाना बता रही हूँ। इसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो कुछ यूँ हैं। खट्टा पालक है आधा किलो, जिसको मैं भी आपको तोड़ने का तरीका भी बताऊंगी कि मैं किसको किस तरह तोड़ूंगी। गोश्त मैंने लिया है डेढ़ पाव, शोरबे के साथ है, मतलब इसको मैंने गला लिया है अदरक लहसुन और नमक डाल के, और ये गोश्त गला हुआ है, बीफ का है। एक प्याली मैंने चने की दाल ली थी और उसको मैंने बॉयल कर लिया है। अच्छा, ये देखिए आप, चार डली प्याज ली है, आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, मिर्ची ली है एक चाय का चम्मच, नमक हल्दी जायका ये एक चाय का चम्मच है, कुटी हुई मिर्च है ये आधा चाय का चम्मच है, और ये हल्दी पाउडर है ये भी आधा चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन मेरे पास एक पेस्ट है ये अदरक और लहसुन का एक टेबल स्पून, अब 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। चलिए अब हम इसको बनाना है। इसको तोड़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पत्तों समेत, पत्ते प्लस डंडियाँ दोनों ही चीज़ें डलेंगी, क्योंकि इसकी डंडियाँ भी खट्टी होती हैं और अच्छी मज़े की होती हैं। तो जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये उसमें पक जाएंगी, और जब हम इसे घोटेंगे तो ये घुट जाएंगी, तो अपना टेस्ट देंगी, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरह ये आप सारी तोड़ लें। हमने तोड़ लिया है, तोड़ने के बाद हम किसी भी बगोने में ये पालक डाल देंगे। ये धुली हुई है, दो पानी से धुली हुई है, अब इसको हम एक भगोने में डाल देंगे। और आधा कप पानी शामिल करके इसको उबलने के लिए चढ़ा देंगे। जब ये उबल जाएगी और गल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर दाल डाल के और इसको घोट लेंगे, जब तक कि हम गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। धीमी आंच के ऊपर इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, बस इसमें हमने आधा प्याली पानी डाला है। गोश्त बगाड़ लेंगे, इसमें हम आधी प्याली तेल डालेंगे, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, चार डली प्याज है जिसको मैंने कटर से काट लिया है। प्याज को हम पिंक गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, जिस तरह के आम सालों में किया जाता है। इसे गोल्डन पिंक फ्राई करना है, और दूसरी तरफ ये हमारा खट्टा पालक है, ये भी अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा हेट आए। देखिए, पूरा भगोना भरा हुआ था और कितनी सी हो गई है ये बॉईल होके, थोड़ा सा भी इसको है। ये फ्राई, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक। अदरक लहसुन को भी हम अच्छा सा फ्राई कर देंगे। फ्राई हो गया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी गोश्त। ये शोरबा नहीं डालूंगी इसका, शोरबा मैं बाद में डालूंगी ताकि थोड़ा सा गोश्त भुन जाए। हड्डी और गोश्त समेत है ये। बहुत अच्छा गला हुआ है, ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, तो कुछ यूँ है, कुटी हुई लाल मिर्च है और हल्दी है, ये डाल दी मैंने, किसी लाल मिर्ची है और नमक, पूरी चीज़ें चाहिए। अब हम इस मसाले में इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हो गया है, खट्टा
खट्टा पालक अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। अब आपके लिए ये ऑप्शन है कि आपके पास अगर दाल घोटनी से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप दाल घोटनी से कर लीजिए, या अगर आप बीटर से करना चाह रहे हैं तो आप बीटर से कर लीजिए। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे जो कि मैंने एक कप बॉईल की थी, और इसको हम बीटर से थोड़ा थोड़ा बीट कर देंगे। इसको इतना बीट करना है कि ये थोड़ी थोड़ी मोटी हो, थोड़ी घुटी हुई हो, थोड़ी मोटी हो, बस ये हमारा बीट हो गया है। जो है ये कहते हैं सालन अच्छे से भुन चुका है, गोश्त और मसाला सब अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये हमारा खट्टा पालक। खट्टा पालक और दाल जो हमने उसको घोट के रखा था, ये अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, और ये अब इसके साथ पकेगा। अच्छा, हम वो शोरबा भी डाल देंगे जो हमारा गोश्त का है, गोश्त की जो यखनी है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए शोरबा हमने डाल दिया है, और बस उसी को भगोने को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अब वो भी साफ करके वो पूरा डाल दिया है। अच्छा, ये जो मिर्चियाँ हैं ये 5 से 6 अदद मैंने ली थी, वो भी मैं इस वक्त इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब ये अच्छे तरीके से खलखल पकेगा, मसाला गोश्त और ये सब चीज़ें आपस में अच्छे से पकेंगी, और उसके बाद फिर हम इसे दम लगा देंगे। पकने पे आ गया है खट्टा पालक और दाल। ठीक है, अब जब ये पकने लगेगा तो अब हम फिर इसको दम पे लगा देंगे। मैं इसको दम पे लगा रही हूँ, आज मैं इसकी धीमी कर रही हूँ। हमारा ये देखिए नाज़रीन कितना बेहतरीन सा दम हुआ है, कितना अच्छा तेल इसके ऊपर आ गया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दोस्तों कितना बेहतरीन हमारा खाना तैयार हो गया है। सालन देखिए कितना खूबसूरत और बहुत मजे का है, खट्टा भी है और चटपटा भी है। जो मैंने आपको मसालों की क्वांटिटी बताई थी वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आप दाल प्याज मसाले बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। इसके साथ मैंने पापड़ फ्राई कर लिए और अच्छी सी सैलेड बना ली, रोटी चावल दोनों के साथ ही बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। जरूर बनाइए, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।